हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल ट्रेडिशनल क्लासी बंगाली मेकअप लुक फॉर पहला बैसाख स्पेशल। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एट फर्स्ट मैंने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का फिक्सर। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे यूज़ किया पॉन्ड्स का ये वाला जेल मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। तो पूरी स्किन में अप्लाई करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेक को भी मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ। उसके बाद लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का बेबी लिप्स लिप बम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ किया है माई ग्लैम का ग्लो एसेंस सीरम। डॉट डॉट करके स्किन में अप्लाई कर लूँगी और हाथों की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यहाँ पे यूज़ किया है सुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। समर सीजन है तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक अच्छा सा प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइमर को अच्छे से स्किन में अप्लाई कर लेने के बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। डॉट डॉट करके पूरे स्किन और नेक पे अप्लाई करके मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल इन करने के लिए पहले एक स्पूली की मदद से आईब्रो को कॉम कर ले रही। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर। तो उसी की मदद से मैं आईब्रो को जो भी सारे गैप है उसे फिल इन कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से आईब्रो को फिल इन कर लिया है। उसके बाद मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है। तो जहाँ जहाँ मुझे कंसील की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ कंसील कर लूँगी। अंडर आई एरिया पे, नोज़ के थोड़े पास और माउथ के थोड़े पास भी मैं कंसील कर लूँगी और एज अ आई बेस भी मैं सेम कंसीलर को ही अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है पोज का बनाना पाउडर। तो उसी की मदद से मैं अंडर आई एरिया पे थोड़ा बेकिंग भी कर ले रही हूँ ताकि अंडर आई एरिया पे कोई क्रीज ना हो और अच्छे से सेट हो जाए कंसीलर। सेम पाउडर की मदद से ही अच्छे से आईब्रोज को भी सेट कर लिया। नेक्स्ट मैं आई शेडो के लिए यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। इसमें से बर्न्ड ऑरेंज शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर ले रही। उसके बाद ये वाला रेड शेड को लेकर आउटर कॉर्नर एरिया पे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करते जाऊँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ किया है सिबाना कलर्स का ये वाला पैलेट और इसमें से वाइट शिमर शेड को लेकर इनर कॉर्नर एरिया पे अप्लाई किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दोनों कलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर। इसी की मदद से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। नेक्स्ट मैं काजल के लिए यहाँ पे यूज़ किया है नायका का काजल। तो उसकी मदद से मैं वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर लूँगी और स्विस ब्यूटी का सेम पैलेट से ही ब्राउन शेड को लेकर मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी और काजल के साथ स्मच कर लूँगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है मनीष मल्होत्रा कलेक्शन का मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छे है, बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है। मुझे स्पेशली ये वाला मस्कारा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे कोई भी आईलैश नहीं पहनी, सिर्फ जस्ट मस्कारा ही अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है सुगर का कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट। इसमें से ये वाला कॉन्टोर शेड को लेकर मैं फेस कॉन्टोर कर लूँगी। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे सेम पैलेट को ही यूज़ किया है। इसमें से ब्लशर शेड को लेकर मैं एपल ऑफ चिक्स पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो भी सारे एक्सेस पाउडर थे उसे मैं डस्टअप कर लूँगी। मैं थोड़ा सा जॉ लाइन और थोड़ा सा फोरहेड पे भी कॉन्टोर कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाए। नेक्स्ट मैं नोज़ को भी थोड़ा कॉन्टोर कर लूँगी क्योंकि मेरा फैटी नोज़ है तो उसे कॉन्ट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं अच्छे से नोज़ को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ही हाइलाइटर शेड को लेकर मैं हाइलाइट कर लूँगी चिक बोन्स, प्रो बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन एरिया पे भी।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिप को लाइन कर लूँगी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, तो उसी की मदद से मैं अच्छे से लिप को लाइन कर लूँगी। मैं यहाँ पे अच्छे से लिप को लाइन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप शेड के लिए यहाँ पे यूज़ किया है डार्लिंग इज़ाबेला का ये वाला रेड लिक्विड लिपस्टिक। नेक्स्ट मैं मेकअप को सेट कर लूँगी ये वाला मेकअप फिक्सेस से। तो चलिए अब हम लोग फाइनल लुक देख लेते हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रेडिशनल क्लासिक बंगाली मेकअप लुक पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो एडवांस में शुभ पहला वैशाख।